तो फील की फैमिली, आई होप कि इस खतरनाक सफर पे एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, क्योंकि इस गेम का नाम है Red Dead Redemption 1 और ये ना सिर्फ इस सीरीज का 8वां एपिसोड है बल्कि ये भी एक महा एपिसोड है। तो आज महा एपिसोड के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और इन केस आपने यहाँ तक का कोई भी एपिसोड मिस करा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपसे जो भी मिस हुआ है फटाफट करके सारे एपिसोड देख लीजिए ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जॉन मास्टर ना सिर्फ मेक्सिकन आर्मी की मदद कर रहा है बल्कि वो इसके साथ साथ यहाँ जो रेबल्स हैं जिन्होंने मेक्सिको की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया हुआ है उनकी भी मदद करने लगा है जॉन। तो कुल मिलाकर बात ये कि जॉन दोनों टीम से बैटिंग कर रहा है और हालांकि इसको लैंडन रिकेट से समझाया है कि अक्सर दो नाव में पैर रखने वालों के डूबने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो जॉन ने बोला कि उसको मेक्सिकन आर्मी या फिर रेबल्स दोनों ही से लेना देना नहीं है, वो बस इन दोनों के लिए काम इसलिए कर रहा है ताकि इन दोनों में से कोई ना कोई तो हैवियर का पता बता ही देगा और हैवियर और बिल को जॉन जिंदा या मुर्दा पकड़ पाएगा। और लास्ट एपिसोड में रिकेट्स के साथ मिलकर मेक्सिकन आर्मी से जॉन ने एक लड़की को बचाया जिसका नाम लुइसा है जो कि एक रेबल है और ये लुइसा गर्लफ्रेंड है रेबल लीडर रेस की। तो जॉन लुइसा से मिलकर उसकी भी मदद कर रहा है। तो चलिए फिर आज का गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और फेल आर्मी क्योंकि लंबा एपिसोड होगा तो खाने पीने के लिए बैठ जाओ और अगर पहले से लेके बैठ चुके हो काफी तेज हो रहे हो आजकल तो फेल आर्मी बस यही तेजी दिखाते हुए वीडियो को भी तेजी से लाइक कर लो और जल्दी जल्दी 7 के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो ताकि मैं Red Dead Redemption के बिना रुके एपिसोड्स लाते रहूं। स्टार्ट किया जाए। तो इससे पहले मैं लुइसा से मिलकर नया मिशन स्टार्ट करूं मैं आपको बताना ही भूल गया। तो आज की एकदम गर्मा गर्म और ताजा खबर ये कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो आज तो एकदम कर ही लो सब्सक्राइब। अच्छा कर भी लिया, बहुत बढ़िया भाई, चलो लुइसा से मिलते हैं। Oh, Mr. Marston, Mr. Marston. What's wrong, Luisa? I don't wait for myself, but for my country. Abram Reyes has been captured. Yes? He was coming to meet me at Roca Madera. It's a very romantic spot. It was a beautiful night. Yet he was ambushed by patrol. My heart is breaking, but I cry for Mexico. Where is he being held? El Presidio. You know in our hearts we are married already, but his family do not approve. How could they? Why, I'm little more than a peasant girl. But that's what makes Abram the man he is. He doesn't care for their bourgeois, snobbery, or elitism. He sees the real me. The woman. I'm sure. I'm going to go and rescue him or die trying. Oh, whoa, whoa. I don't think that's such a good idea. Ride with me to near the jail. We'll figure out how to rescue him. Mr. Marston, you are truly a friend of this land. So everyone keeps informing me. Let's go, Mr. Marston. तो जैसे ही जॉन यहाँ पे आया तो लुइसा रो रही थी और जॉन ने पूछा कि हुआ क्या है, तो इसने बताया कि इसका जो बॉयफ्रेंड रियास वो पकड़ा गया है और वो इससे मिलने के लिए आ रहा था कोई बहुत ही रोमांटिक जगह पे लेकिन मेक्सिकन आर्मी ने उसको घेर के पकड़ लिया है और ये रो रही है क्योंकि इसका दिल तो टूट ही रहा है लेकिन क्योंकि रेस पकड़ा गया है तो इस देश का क्या होगा। तो लुइसा की बातों से इतना समझ में आ रहा है कि ये रेबल लीडर रेस और लुइसा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये बोल रही थी कि दिल से तो हम शादीशुदा ही हैं, मतलब शादी हो गई हमारी दिल से, लेकिन असल जिंदगी में हम इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेस का परिवार मेरे खिलाफ है, मतलब वो नहीं चाहते कि रेस से मेरी शादी हो क्योंकि रेस काफी खानदानी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं तो सिर्फ एक किसान की लड़की हूँ, लेकिन रेस इसलिए इतना अच्छा आदमी है क्योंकि उसको इस सब चीज से परवाह नहीं कि उसका परिवार बहुत बड़ा है और उसके परिवार के पास बहुत पैसे हैं, वो फिर भी मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। और जॉन ने जब देखा कि लुइसा खुद से जा रही है मेक्सिकन आर्मी से फाइट करके या तो मरने के लिए या फिर अपने बॉयफ्रेंड रेस को बचाने के लिए, तो जॉन ने मना कर दिया, बोला कि अच्छा आइडिया नहीं है, मैं चलता हूँ साथ में और मैं ही जाकर उसको बचा लूंगा, तुम बस बता दो दिखा दो कहां पर है वो। तो लुइसा बहुत खुश हो गई और बोलने लगी कि आप सच में इस देश के बहुत सच्चे दोस्त हो। तो जॉन ने बोला कि हाँ सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं और जॉन एक तरह से हंस भी रहा था क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मेक्सिकन आर्मी का जो कर्नल है एलियांडे उसने भी सेम बात बोली थी जॉन को। तो अभी लुइसा के साथ जाना है और देखना है कि रेयस कहां पर बंद है और उसको अकेले जाके मेक्सिकन आर्मी से छुड़ाना है। चलो फिर Abraham is closer to death. लुइसा टेंशन क्यों ले रही हो? जॉन है ना, रेयस को मरने नहीं देगा। Come on, we haven't got time for this. तो आज ना कल मेक्सिकन आर्मी के कर्नल को पता चल नहीं कि जॉन पीछे से क्या कर रहा है। We are almost there. He is still alive.
I feel it. तो प्यार चीज ही ऐसी है, देख रहे हो ना, लुइसा को ऐसा महसूस हो रहा है कि रेयस अभी भी जिंदा, उसको मारा नहीं है मेक्सिकन आर्मी ने। वाह वाह भाई। El Presidio, there it is. You have to find the way in. I'll do my best. There is a partially broken down wall. You should be able to scramble over it. Hurry, but please be careful. There are guards everywhere. If they see you, they will kill you both. Well, if he's alive, I'll try to make sure he stays that way. I have some friends waiting for me near the river. Bring Abraham there. Good luck. Good luck. Que Dios te proteja. तो सामने ये जो मेक्सिकन आर्मी की जेल टाइप की है, इसी के अंदर रियाज बंद है। और लुइसा ने बोला है कि अगर गलती से भी ये मेक्सिकन आर्मी के किसी ने आसपास भी देख लिया ना, तो देखते के साथ शूट ऑन साइट है, मतलब देखते के साथ मार देंगे। तो छुप छुप के जाना होगा। लेकिन लुइसा ने एक अच्छा प्लान बताया है कि दीवार में ना एक टूटी हुई जगह है, वहां से आप अंदर जा सकते हो। और लुइसा ने बताया कि उसके कुछ दोस्त हैं जो कि रियाज को यहां से निकालने में मदद करेंगे मेरी, और वो लोग आएंगे मेरी मदद करने, लेकिन एक बार पहले यहां की जो आर्मी है उसको टेक डाउन में कर दूंगा उसके बाद। तो यहां से कुछ ही दूर में लुइसा अपना इंतजार करेगी, पर पहले इसके बॉयफ्रेंड को बचा के लाना होगा। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा स्नाइपिंग पोजीशन, ओहो स्नाइपर लेके बैठना है इन लोगों के लिए। अरे वाह, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। तो आई थिंक रेयस को ये लोग मारने ही जा रहे हैं। क्या टाइम पे आया जॉन? तो स्पैनिश में गद्दार बोला रेयस को, शायद इतना तो समझ में आया। तो जो मारने जा रहा है ना रेयस को, पहले उसको मारना होगा, उसके बाद बाकी सबको मारेंगे। आ जाओ। अच्छा इनके पास गैल्टिंग गन्स भी है, बस उम्मीद करोगे वो वाली गन को यूज नहीं करें। कुछ भी बोलो, लेकिन मेक्सिकन आर्मी के लोग एक नंबर निशानची है, देख रहे हो एक भी निशाना मिस नहीं कर रहे अपना। बस 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 एक लास्ट ही बचा है ना। नहीं 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 दो बचे हैं। जॉन एक अच्छा काम कर रहा है कि जब भी मेक्सिकन आर्मी से फाइट कर रहा है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अगर ये लोग में से कोई भी जिंदा बचे और जाकर कर्नल या फिर वो डिसांटा को बोल दिया, तो कांड है भाई जॉन का, पूरी मेक्सिकन आर्मी पीछे लग जाएगी। तो रियाज को बचाएं, तो रियाज को बचाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम है कि सबको लूटना, क्योंकि लास्ट होते होते तक बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स खरीदने, जितने पैसे मैंने बचाए उसके। रियाज टेंशन मत ले, रस्सी खोल रहा हूँ तेरी मैं, देख लूटने का काम करने दे पहले। इसकी मैं रस्सी खोली देता हूँ, वरना ये बोलते रहेगा। We have to meet her by the river. ¿Qué? Luisa, the girl you're marrying. Oh, yes. Such a devoted thing. El amor de mi vida. Quick, find us a horse. You will have to ride. I am too weak. ये रेस को जब मैंने बताया कि लुइसा ने मुझे भेजा है और उसके पास हम जाएंगे, नदी के पास वो इंतजार कर रही है, तो ये पूछने लगा लुइसा कौन। तो मैंने बोला कि भाई जिससे तू शादी कर रहा है वही। तो इसका कहना था हाँ 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 बहुत अच्छी लड़की है और मुझे बहुत मानती है, तो इसको याद भी नहीं है कि लुइसा कौन है। क्या बकवास आदमी, आ जा बैठ। एक तरफ लुइसा इसके प्यार में पागल हुई जा रही है और इसको याद भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, बताओ। पता है मैं इस आदमी को मारने ही जा रहा था, लेकिन इससे बता दिया कि लुइसा ने इसको भेजा और आर्मी आ रही है हमें मारने के लिए, इसको फॉलो करना है। Surely, all right.
मुझे गोली लगी तो ठीक है, लेकिन ये रेयस मर गया ना तो भाई मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए जल्दी इनको मारना होगा। John Marston. No, the American who is working for Allende. I ain't working for nobody. I'm here because Luisa asked for my help. As I told you, you're a friend of Allende's, I was planning on putting a bullet in your back. Well, try to resist the urge. Reyes, pata nahi kyun aisa lag raha hai ki pitega. How do you know my young lover, Laura? It's Luisa. I saved her life not so long back. I will not forget this, compadre. You will be rewarded. Money, women. Luisa, if you want her. I'm here for two men, and that's it. You have been spending too much time with Captain De Santa. Very funny. Not like that. I'll explain later. ये रेस बहुत खत्म आती है। I am free again. I will write a poem about this day. This is from a man who was tied to a post with a gun in his face a few minutes ago. I wish I could see Allende's face when he finds out that I defeated 100 of his men. All you've done is get on the back of this horse, my friend, and you barely managed that. बताओ ये रेस यहाँ पे revolution लाएगा। भाई तू मक्खी मार ले वही बहुत है। Luisa y Zapajet, buena suerte, compadre. तो रेस ने जितनी भी बकवास करी है ना सबके बारे में बात करी है, लेकिन पहले इसको लुइसा के पास छोड़ देते हैं। वैसे जॉन को तो इसको नदी में फेंक देना चाहिए इसकी बकवास सुनने के बाद, लेकिन ठीक है, जॉन लुइसा के लिए ये कर रहा है ना। There she is. I remember her now. Mi amiga. Abraham. Mr. Marston, oy. The revolution will live on thanks to you. Yes, indeed, John. You are as a brother to me. And my people need a man such as you to help our cause. My ranch is in Agave Viejo, and let me say, my brother, that we await you. Well, best of luck to both of you, but I need to find two men so I can return to America. No problem. I will help you find those men, and in return, you will win a people her freedom. Viva Mexico! ¿Para dónde tú vas, bella? Bye, John. Vente conmigo. Tú sabes que en esta luz puedo ver el fuego en tus ojos. Laura, dame la fuerza para luchar. तो मेक्सिकन आर्मी का कर्नल एलियांडे बहुत ही बेकार आदमी है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन रेबल्स का लीडर ये रेयास भी कोई सही आदमी नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इस कहानी में कोई सही गलत नहीं, बल्कि गलत और बहुत ज्यादा गलत है। तो अगर देखा जाए तो कर्नल तो गलत है ही, ये भी कोई अच्छा आदमी है नहीं। तो रास्ते में इस रेस ने जब नाम पूछा तो जॉन ने अपना नाम बताया, तो नाम सुनने के बाद बोला कि अच्छा तुम वही अमेरिकन हो ना जो कर्नल एलियांडे की मदद कर रहा है। तो जॉन ने बोला कि एक बात मैं साफ कर देता हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी के लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो रेस बोले कि अच्छा वही बात तुमने क्लियर कर दी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी तुम्हारे पीछे बैठे बैठे तुम्हारे सर में गोली डाल दूं। तो जॉन ने बोला कि ए भाई अभी गोली डालने से रुक जा, पहले तेरे को छोड़ने दे लुइसा के पास। तो रेस बोलने लगे कि तुमने जो मेरी जान बचाई ये तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे भाई, और इसके बदले तुम मांगो तुमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए वो ले लो, बल्कि ये जो लड़की है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो लुइसा वो चाहिए तो वो भी ले लो। मतलब सुन रहे हो उसकी बकवास, बेचारी एक तरफ इतना प्यार करती है पर रेस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो शायद याद भी नहीं थी। तो जॉन ने उसको बोला कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, अगर तुमको मेरी मदद करनी है तो मैं दो आदमियों को ढूंढ रहा हूँ, उन दोनों आदमियों के मिलने के बाद मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा। और रेस ये भी बोल रहा था कि काश मैं कर्नल एलियांडे का चेहरा देख पाता जब उसे पता चलता कि मैंने 100 मेक्सिकन आर्मी के लोगों को मारा है। तो जॉन ने बोला कि भाई तूने बस इतना काम किया है कि मेरे पीछे आके घोड़े पे बैठ गया, तू किस चीज की शिकी बगार रहा है। और रेस ने जब लुइसा को देखा तब देखने के बाद उसने पहचाना कि अच्छा ये लुइसा है, अच्छा अच्छा हाँ ये अच्छी लड़की, और फिर उसके साथ चला गया। और उसने जॉन को बोला कि मैं वादा करता हूँ कि ये जो तुम दो आदमी को ढूंढ रहे हो इन दोनों को ढूंढने में मैं तुम्हारी पक्का मदद करूंगा, और इसके बदले में तुम इस विद्रोह में मेरी मदद करोगे। और लुइसा को जॉन ने रेस के बारे में बताया नहीं कि कैसा घटिया आदमी और तुमसे प्यार व्यार नहीं करता है, तुम्हारा नाम तक याद नहीं था उसको, लेकिन ठीक है। लुइसा देख कर रेस को खुश हो गई और जॉन को बोलने लगी कि आपको पता नहीं है कि आपने यहाँ के लोगों के लिए कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि रेस को आजाद करवाने का मतलब है कि हमारा जो विद्रोह चल रहा है सरकार के खिलाफ वो चलता ही रहेगा। तो रेस ने भी अपने रैंच पे मिलने बुलाया, उससे भी मिलने जाएंगे, फिलहाल ये डी सैंटा के मिशन कर लेते हैं। कर दिया ना कांड, सुबह में बुलाया है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा घर तो यहाँ पर है ही, सो जाते हैं चल के और उसके बाद सुबह में आते हैं।
घर तो सामने ही दिख रहा है घोड़ा, लेकिन मेरा जंप नहीं करेगा यहाँ से। जंप करेगा तो हम दोनों मरे आएंगे ना। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जॉन किसकी मदद ले, क्योंकि दोनों ही तो खराब लोग हैं, चाहे वो कर्नल एलियांडे हो या फिर ये रेयास हो। और पता नहीं अगर दोनों को पता चल गया कि दोनों के लिए जॉन थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है तो दोनों अपने खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा ये दोनों को मार देगा जॉन, क्या दिक्कत है। अच्छा ये आज जॉन का मेक्सिकन आउटफिट चेंज करके जॉन का जो मेन अटायर है वही पहन लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रखते हैं एक दो मिशन में। घोड़े ने धोखा दे दिया, जब तक ये वहां से यहां तक आएगा तब तक तो मैं पैदल ही दौड़ के घर तक पहुंच जाऊंगा। घोड़े के बिना यहां से वहां तक भी जाना ना, आलसी हो गया हूं भाई मैं, घोड़े पे बैठ के जाना ज्यादा अच्छा लगता है। एक लंबी सी नींद सो जाते हैं, क्योंकि कितना सुबह 7 बजे बुलाया ना, पता नहीं सोने के बाद भी सुबह 7 बजे गया या नहीं, बताओ। अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं, एक काम करते हैं एक बार और सो जाते हैं, 6 घंटा पार हो जाएगा, दिन के 12 बज जाएंगे, ठीक है। रात में या तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, दिन में कुछ ज्यादा ही रोशनी है। तो मुझे अभी याद आ रहा है कि लास्ट मिशन जो किया था डिसेंटा के लिए, उसके बाद जॉन ने उसको एक तरह से धमकी देकर बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तेरे से मिलूंगा ना तो हैवियर और बिल का पता बता देना चुपचाप से, वरना फिर तू देखना। तो अभी ये शायद बता दे पता, और देखते हैं। Your Marston, good news, the colonel himself wants to speak to you. Come. Anyways, it's good to see you, amigo. Good to see you. You know, you are a rare find. A gringo who is also a friend of our country. Bienvenido. We welcome you. Okay. Bad, relax, relax. I have some wonderful news for you. Quite wonderful, in fact. You know the men you hunt? They have been captured in Chupa Rosa. I want you and DeSanta to ride out there, and then you can take possession of them. It is my gift to you. For all your help, senor. Although part of me wishes that you would remain here and enjoy more of our hospitality, huh? Thank you. If it's all the same, I'd like to collect the men. I have a wife and son at home whom I miss. Ah, don't we all, amigo? Don't we all? DeSanta, I want you to take care of Senor Marston. Vámonos, cabrón. Go. Adelante. Mi amor. Mi amor. Come, my friend. It is time to bring this man to justice. एक मिनट, लगा तो नहीं था मुझे कि इतना जल्दी हैवियर और बिल का पता ये लोग बता देंगे इतनी आसानी के साथ, लेकिन फाइनली जब मैं यहाँ पर आया, मतलब जॉन यहाँ पर आया, तो डिसेंटा ने बोला कि कर्नल मिलना चाहते हैं, और कर्नल कुछ ठरकीबाजी कर रहा था जो कि ऑब्वियसली यूट्यूब है तो उस पर दिखा नहीं सकता, पर ये एलियांडे तारीफ करने लगा जॉन की कि तुम सच्चे दोस्त हो मेक्सिको की, और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो और हमारी मेहमान नवाजी के थोड़े मजे लो, और तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये कि Chupa Rosa में बिल और हैवियर पकड़े गए, तुम जाके उनको कलेक्ट कर सकते हो। तो जॉन ने बोला ठीक है, और कर्नल ने डिसेंटा को मेरे साथ में, एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब्राहम रेयस था ना, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, ये ग्लिस से आया या फिर ये मारने आया है कर्नल को, ये लोग तो पहचानते हैं ना अब्राहम रेयस को, ये डेफिनेटली ग्लिच हुआ है, बताओ अब्राहम रेयस ही था ना। चलो जो भी है, अपने को क्या लेन देन है भाई, बिल और हैवियर मिल गए Chupa Rosa में। What are you waiting for? This is your chance. लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी आसानी से बिल और हैवियर मिल गया भाई, ये मेक्सिकन आर्मी ने अपना वादा पूरा किया। आ जाओ देखते हैं। Here we are. Go, my friend. We're in the church. Now, Ori, right behind you. Very reassuring. This is it. A moment of truth. Why are they in the church? It is a good place as any to judge a man. Wouldn't you say? Are they armed? No, they're prisoners. Take a deep breath. Calm yourself. It would be like lambs to the slaughter. तो डिसेंटा बोल रहा है कि टेंशन मत लो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ। तो जॉन ने बोला कि हाँ हाँ, ये सुन के तो एकदम हिम्मत भर गई मेरे अंदर ना, मतलब जॉन ताना मार रहा था। और इसने बताया कि हैवियर और बिल कैदी हैं और उनको कैद करके चर्च के अंदर रखा है इन लोगों ने।
तो जॉन ने पूछा कि चर्च के अंदर क्यों रखा है। तो इसने बोला कि वो अच्छी जगह है ना, जहाँ पर लोगों को जज किया जा सकता है गॉड के सामने। तो पता नहीं ये चर्च क्या भाई, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे यहाँ का वातावरण। तो बिल और हैवियर अगर कैदी हैं, तो इतनी फोर्स क्यों है यहाँ पर, और सब चर्च की तरफ गन पॉइंट क्यों कर रहे हैं। ये गेम करने वाला है मेरे साथ डेफिनेटली, लगता है इन लोगों को पता चल गया है। मैं लिख के दे देता हूं। देख लिया ना, कर दिया गेम मेरे साथ। मैं समझता हूँ। Gracias for your service to this land. Descent tú y tu carnal ya. Khatam bhai tum log ka khel. Levanten esta pizza mierda. Levántenlo. Marston. Hey. Marston. You have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience, because you're about to meet God. Rickets ne baja. Oh, yeah. They will kill you if you don't get your ropes off. Over here, I will free you. सुरेश भले फालतू आदमी, लेकिन अभी वही मेरी जान बचा रहा है, तो उसके पास जाना होगा और अपनी ये हाथों की रस्सी कटवानी होगी। एक मिनट, अब मैं समझ गया वहां पर रेस क्या कर रहा था, ये अब समझ में आ गया ना। वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, और ये डिसेंटा इसलिए मारना चाह रहा है क्योंकि उसको पता चल गया कि जॉन रेबल्स की भी मदद कर रहा है। भाई ऊपर कैसे जाना, अच्छा सीढ़ी तो है। तो रियाज ने भी मेरी जान बचा ली, तो अब हिसाब चुकता हुआ अपने वेपन्स उठाने जाके। बस बस इसी का तो इंतजार था। डिसेंटा कहाँ है तू? अच्छा मिनी मैप में देखो एक खोपड़ी, वही ये डिसेंटा इस बिल्डिंग के ऊपर छुप के बैठा हुआ है ना। कहीं भी तू छुप जा, आज तेरे को पताल के अंदर से भी ढूंढ के मारेगा जॉन। रुक जा, आ रहा है। You ain't gonna win this. ऐसे नहीं, स्टाइल के साथ मारेंगे डिसेंटा को, रिवॉल्वर लेके चलते हैं अंदर। हरा के कोई जान भी ले जाए ना तो वो मंजूर है, धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देता जॉन। अरे ये तो कैप्टन स्पिनोज़ा था, वो कहाँ चला गया? डिसेंटा, माय ब्रदर्स, टुडे वी हैव प्रूवन दैट द डेज ऑफ दिस इविल रेजिम आर नंबर्ड, सून वी शैल बी फ्री, लिविंग टुगेदर इन ए नोबल रिपब्लिक जस्टली रूल्ड
by fine men. But el trabajo, the job is not done. Our struggle is not over. We will fight on day and night until local tyrants like Allende are no more. And him and all his dogs are brought to the sword. We shall be free. This time things shall be different for every man and woman in this land. And one day soon, Allende will know justice. My brothers, fight on. In our hearts, we are all free. Let us make it so. Viva la revolución. Viva México. México, 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 México. ये रेस की पूरी स्पीच सुन के जॉन का मुंह देखा। जॉन को क्या लेना देना है भाई, अपने फैमिली के पास इसको वापस लौटना है अमेरिका। ठीक है, कहां ये सब पचड़ में पड़ गया। तो ना ही वो हैवियर मिला, ना ही बिल मिला, लेकिन अब मैक्सिकन आर्मी भी अपने खिलाफ हो गई है। और ये जो दो टीम से बैटिंग कर रहा था ना जॉन, अब नहीं कर सकता, अब डायरेक्ट रेबल्स के साथ ही है, क्योंकि ऐसे भी आर्मी अपने खिलाफ हो चुकी है। वैसे रेस यहाँ अपने आदमियों को स्पीच दे रहा था कि देखो हमने दिखा दिया कि ये जो तानाशाह है एलियांडे, इसकी शैतानी सरकार के बस कुछ ही दिन बचे हैं और जल्दी इसको हम लोग पावर से हटाकर अच्छे लोगों को लीडर बनाएंगे जो कि इस देश का भला करेंगे, और जल्दी ये एलियांडे का इंसाफ होगा और वो और उसके जितने पिल्ले हैं सबको हम लोग मार देंगे। तो ये सब ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि डिसेंटा हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा। लैंडन रिकेट्स यहाँ चुपर उसाई में रहते, लेकिन याद है ना वो अमेरिका की तरफ चले गए थे वो कैदियों को लेकर, तो इसलिए वो यहाँ नहीं थे। वो होते तो जॉन को वही बचाने आते। नहीं तो हो सकता है कि जब मैं वापस जाऊं बिल्कुल यहाँ से जिंदा या मुर्दा ले जाने के बाद, तो हो सकता है कि वो अमेरिका में मिले अपने को। तो ये मेक्सिकन आर्मी के लिए जॉन ने जितना भी काम किया सब एक तरह से वेस्ट ही हो गया ना, क्योंकि ना तो इसको कोई इन्फॉर्मेशन पता चला, ना फिर इसका कोई फायदा हुआ, बल्कि ऑलमोस्ट इसको मार ही दिया था। कोई बात नहीं, इस चीज का बदला लेंगे डिसेंटा को मार के। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ रेयस के पास, क्योंकि अब उसी का मिशन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। चलो रेबल्स के लीडर के पास चलते हैं। इतने अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन ये रेयस अपने आदमियों के साथ टेंट के पास रह रहा है। वाह, चला और इससे मिलते हैं। ये फिर भी उन लोगों से तो ठीक ही है, कम से कम अभी तक तो मारने का ट्राई तो नहीं ना किया मुझे तो उन लोगों के मुकाबले ये थोड़ा ठीक है इस चीज में। Tenemos que movilizar fuerzas en el extremo sur de la llanura para que los flancos del este y el oeste. Where is Abraham Reyes? Here, amigo, here. Well, look who it is. The American bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexico Revolution. I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston, I do. A man like you, or me, with just a few such men, I tell you I could rule the entire country. Hey, hermanos unidos, set my people free! Yeah. Libre Mexico! Yeah. Mexico! Libre Mexico! 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 Viva la revolución! Their energy is like food to me. I feel I was sent for them and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. How so, you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. Ay, Dios mío, I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you, don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha! Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother, let us strike while the iron is hot.
Follow me. We must hurry. तो जॉन को देखकर ये रियाज बोलने लगे कि अरे मेरे अमेरिका से आए हुए दोस्त जो पहले डाकू थे फिर बाउंटी हंटर बन गया और अब ये मेक्सिको में हुए विद्रोह को जीतने में मदद करेगा। तो जॉन ने बोला कि इस बारे में मुझे नहीं पता भाई। तो ये बोलने लगे कि नहीं मैं जानता हूँ ना, हम जैसे लोग यानी तुम और मेरे ऐसे लोग, हमें बस कुछ आदमी मिल जाए जैसे मुझे ये मेरे लोग मिले, इनके साथ में मिलकर इस देश पर राज कर सकता हूँ। और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस धरती को मैं जानता हूँ और इसको बेहतर बनाने में मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे राज करूंगा अपने लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए। तो जॉन ताना मारने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, राज करोगे भाई लोगों के लिए। तो ये बोलने लगा कि देखो ताना मारना तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये काम बहुत ही बेकार है तुम्हारे लिए। तो जॉन ने बोला कि तेरे को पता नहीं कि मैं कितने बेकार बेकार काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो रियाज ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो डकैती करने में तुम बिल्कुल हमारी मदद करोगी क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए आम बात होगी। तो जॉन ने मतलब पूछा एक तरह से किस लिए ये लूट करने जा रहे हम लोग। तो ये रियाज ने बोला कि ये हम लोग अच्छे काम के लिए, मतलब इससे हमारे रिवॉल्यूशन में मदद होगी। ये हैवियर और बिल का जब तक आज मुझे पता नहीं ना चल जाता, कसम से आज का गेम प्ले एंड नहीं होगा जब तक दोनों में से एक आदमी कम से कम मिल नहीं जाए। बहुत हो गया, अब कोई पता बता रहा नहीं है, काम पे काम करवाए जा रहे हैं लोग। रास्ते में अगर इसने फिर कोई स्पीच दी ना, इसने इसको लात मार के घोड़े से गिरा दूंगा। कोई स्पीच नहीं सुनना है भाई, तू अपनी स्पीच अपने लोगों के लिए रख। You must tell me more, John. Are my sources correct? Have you come to Mexico to murder your two best friends? Not exactly. We were friends once. A lot's changed since then. Now that we are friends, I hope you will give me some warning if you get a sudden urge to kill me. You'll be the first to know when I kill you, I promise. So where are they? Who? Williamson and Escuela. Yes, they are slowing us down, Marston. I'm not sure exactly where, they are definitely in Mexico. That much I know already. You told me you'd found them. And I will. I have my very best man working on it. If I find out you're lying to me, Reyes, you'll really see the man I used to be. I will give you your friends, I promise. Just give me time. John ने धमकी दे दी कि अगर उन दोनों का पता मुझे जल्दी नहीं बताया फिर देखना तू। So how did you meet these Williamson and Escuela? We ran in the same gang together. Under a fella called Dutch. We were all bad kids, lost, angry, and forgotten. He kind of saved us. And turned you into criminals? Dutch didn't see us that way. We robbed banks, stole from the rich, and we gave the money to people who needed it more. So he was a revolutionary too, like me? I suppose. He saw that the system of power was rotten, that good people had been crushed for too long, and he believed that change could only succeed if it was brutal. And relentless. Make America what he felt it was supposed to be. I like the sound of this man, Dutch. Another violent idealist. Oh, watch what you're writing. I don't know. But I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane. Lost faith in everything. In everyone. तो बिल और हैवियर के बाद डच को भी ढूंढने जाएगा जॉन, यही तो चाहिए। अच्छा जॉन ने आडिया 2 के बारे में फिर से स्पॉइलर दिया कि डच लास्ट में पागल हो गया था। You have quite a story, John Marston. I really am a little jealous. Jealous? Of his poetic potential, I mean. He would make an excellent corrido. A bullfight? No, mi hermano. That is a corrida. No, a corrido is as Mexican as Mexico itself. A song, a poem. A story, a ballad, a musical tribute to a heroic man and their great deeds. There are over 100 written about me. Remind me to stay away from men with guitars. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know. I've seen your posters. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio. How I fought off 1,000 Mexican soldiers with my bare hands. Finally, the people have the truth. आम लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, गेम से कितना कुछ सीखते हैं हम लोग। I have to know, what did you think of Agustin Allende, John? I saw enough to know he ain't a good man. It is bad enough he beats the people he swore to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Cop, mierda, you're slowing us down, Marston. Who? General Ignacio Sanchez. Our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who feeds his son. That's a very specific example, Allende, Abraham. Allende es una marioneta. How do you say, a puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. In America? They told us Sanchez was making things better here. Pinche propaganda. He talks about economic reform, about how this is a new golden age for Mexican people. But look around you.
The people are poorer than ever. Oh, watch where you're riding. इस देश के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है. Not far now. Chuparosa is just up ahead. We must hurry. The train will be leaving soon. What's on that train that's so important? I received information that the army is transporting a vast quantity of supplies to distribute to their forces. Do we have a plan? I will explain when we get there, but those supplies won't be arriving. I figured as much. Today, Allende will pay a high price for his treason. Perez बता रहा है कि जो ट्रेन हम लोग लूटने जा रहे हैं उसमें आर्मी बहुत सप्लाईज भर के ला रही है अपने लोगों के लिए और ये सप्लाई हम लोग लूट लेंगे. तो इसको लूटने का क्या प्लान है ये तो रेस ने बताया नहीं, लेकिन अभी बताएगा कि इसको लूटना कैसे है. अच्छा, जॉन डच की तारीफ भी कर रहा था कि जब हम बच्चे थे, मैं, बिल और हैवियर, तो हम काफी बिगड़ायल थे और रास्ते से भटके हुए थे. तो डच ने हमें बचाया था, लेकिन लास्ट में वो पागल हो गया और सब पे विश्वास करना बंद कर दिया उसने. So listen, this train is filled with valuable supplies we need, but it's also filled with government troops. We'll set up a very loud distraction. You can board the train and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay, but listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? There are too many soldiers. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait until I distract them. Then get on that train as fast as you can, John. Suave! Viva la revolución! तो यहाँ जो गार्ड्स खड़े हुए थे उनको रेयस ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, जो सामने गार्ड्स थे. लेकिन ट्रेन के ऊपर अभी बहुत सारे गार्ड्स हैं, उनको एक एक करके मारना होगा. ये थ्रोइंग नाइफ से ये एक नया वेपन मिल गया है जो कि आरडीआर 2 में भी था, ये चाकू फेंक के मारने वाला. तो इन सबको मारना, उसके बाद ट्रेन पे चढ़ना है. पहले इन सबको मार देते, आ जाओ. गोली उसको चलाने नहीं दी वरना सब अलर्ट हो जाते, पता है. तो अभी भी दो गार्ड्स बचे हैं, पहले उनको मारेंगे, उसके बाद आगे काम करना है. ये मेक्सिकन आर्मी, ये जो ट्रेन कार्स है उनको डिटैच करना है. लेकिन डिटैच करने से पहले सबको लूट लेते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे चाकू जो मैंने फेंक फेंक के मारे वो वापस चाहिए. अच्छा, रास्ते में रईस बोल रहा था कि मैंने सुना है कि ये जो तुम दो लोगों को मारने के लिए खोज रहे हो वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है. तो जॉन ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहले मेरे कभी दोस्त थे और उन लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं. तो रईस बोलने लगे कि भाई देख, हम भी अब दोनों दोस्त बन गए हैं, तो अगर तुमको कभी ऐसा मन करे ना कि मुझे मारना है तो प्लीज मुझे बता देना. तो जॉन ने बोला कि हाँ, टेंशन मत ले, जब तेरे को मारने का मन हुआ ना सबसे पहले तेरे को ही बताऊंगा मैं. ये ट्रेन कार को तो अलग कर दिया, लेकिन गैटलिंग गन पे अभी भी कंट्रोल लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिकन आर्मी भी है. ओके, तो आर्मी के लोगों के पास भी गैटलिंग गन है, चार पांच लोग तो यही है और पता नहीं कितने लोग होंगे. जितना मैंने आरडीआर 2 में यूज नहीं किया था उतना आरडीआर 1 में यूज कर लिया. तो और लोग हैं, लेकिन ये चालू गार्ड्स लग रहे हैं, क्योंकि ये सामने नहीं आ रहे. मैं वेट कर रहा हूँ गन लेकर, आए तो तुरंत मैं मार दूं. नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, मुझे ही जाना होगा.
इंजन का कंट्रोल लेता है, प्लीज बोल दो कि ट्रेन चलाने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि बस ट्रेन आगे में कर देते हैं उसके बाद ट्रेन चलाने का ऑप्शन देते नहीं ये लोग, लेकिन ट्रेन चलाएंगे तो मजा आएगा। अच्छा रेयस रास्ते में बता रहा था कि लोगों को कैसे उसकी बहादुरी के गाने सुनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो लोग अखबार ये सब पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उसके झूठे बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं कि कैसे वो कर्नल अलियांडे के कैद से भागा हजारों लोगों को अपने हाथों से मारकर। भाई ट्रेन चलाने भी दे ही देते, चलो ठीक है ट्रेन लूट के लेते आया जॉन। You move like a cat onto that train. Magnificent. Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Vámonos. What are you waiting for? We need to get into that armored car. तो सप्लाईज तो ये लोग रख लेंगे, लेकिन रईस ने बोला है कि अंदर जो आर्मर्ड कार है ना उसको जाके ब्लास्ट करो, और उसके अंदर जो भी है तुमको जो भी अच्छा लगे रख लो। वाह भाई तो डायनामाइट लगा दिया, अरे भागना है यहां से। चलो अच्छा लगा लूट कर अलियांडे को, क्योंकि उसने मारने का अपने को ट्राई किया है कुछ ही देर पहले, तो अच्छा है। देखिए इसके अंदर बैग्स वैग्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। और क्या है इसके अंदर? लाश हटा जाने दे मेरे को। बताओ लॉकर खोलना है। आरडीआर 2 में भी लॉकर ऐसे ही खुला था, याद है वो जो बैंक रॉबरी किया था जिसमें जॉन पकड़ा गया था। एक बार भी गलत नहीं करना है, वरना स्टार्टिंग से फिर करना होगा। इतने बड़े लॉकर में दो पुड़िया सिर्फ रखी हुई पैसों की, कम से कम बोलो कि $100-$200 है प्लीज। और क्या है काम का? तो पैसे वैसे तो ठीक है, लेकिन एक नई रिवॉल्वर मिल गई, फिर और क्या चाहिए बताओ। इसके अंदर $200 थे और रईस मुझे ले जाने दे रहा है ये पैसे। वाह भाई वाह, सही है यार ये, कम से कम इसके लिए काम करके फायदा ज्यादा हो रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रियाज फिर ये जीत के बाद स्पीच देने वाला है लंबी चौड़ी। Not a bad day of robbing the establishment to give to the poor, eh, Mr. Marston? Very noble, I'm sure, but I need to know where Williamson and Escuela are holed up. All in good time, amigo. I'm off to deliver these goods. I see you back at the ranch. Oh. My spies tell me they soon will have the information you need. त्रियास जल्दी बताएगा कि बिल और हैवियर कहां पर हैं। मतलब ऐसा बोल तो रहा है, बोला तो डिसेंटा और वो कर्नल ने भी था, बाकी देखते हैं। अब किसी पे विश्वास तो है नहीं मुझे ऐसे भी।
अंद्रयास ने रास्ते ही में बोला था कि इसके जासूस लोग काम पे लगे हुए हैं और बिल और हैवियर ऐसी जगह पे छुपे हुए ना जहाँ का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके जासूस काम कर रहे हैं। और मिशन के बाद इसने बोला है कि इसके जासूस ने बोला है कि जल्द ही वो उनका पता ढूंढ के उसको बताएगा और वो फिर जॉन को बता देगा। और जॉन ने ऐसे रास्ते में बोला था कि अगर मुझे पता चला ना कि तू मेरे से झूठ बोल रहा है तब मैं दिखाऊंगा तेरे को कि मैं कितना बुरा आदमी हुआ करता था। अच्छा, रास्ते में डच के बारे में और भी बता रहा था जॉन रियास को कि डच का मानना ऐसा था कि ये जो अमीर लोग हैं ये अपना पैसा बैंक में रखते हैं और ये गरीबों को दबाते हैं, तो ये पूरा सिस्टम ही गलत है। इसलिए उसका मानना था कि हम लोग लूटते हैं तो हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे, हम लोग बैंक लूट रहे हैं, अमीरों का पैसा लूट रहे हैं और जिनको ज्यादा जरूरत है उनको ये हम लोग पैसा दे दे रहे हैं। लेकिन लास्ट में फिर वो पागल हो गया और सब पे विश्वास करना बंद कर दिया। तो एक बार जब मैं बिल और हैवियर को मार दूं या फिर जिंदा पकड़ लूं जो भी, उसके बाद मैं डच के पीछे पीछे जाऊंगा। तो फिलहाल रियाज का तो मिशन आया नहीं है, लेकिन लुइसा का मिशन आया हुआ है, तो चलो उसी के पास चलते हैं फिर। और हाँ, मैं साइड मिशन करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डेली ज्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई साइड मिशन मत करना है, क्योंकि इसका साइड मिशन उतना कुछ खास नहीं है। पर मैं सच बता रहा हूँ, मेरा अभी भी मन है साइड मिशन करने का, तो आप लोग कमेंट करो और अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे तो साइड मिशन किया जाएगा, वरना मेन स्टोरी तो बस आई थिंक ये 2 या 3 एपिसोड में खत्म होने वाली है। अच्छा, ये स्टोरी की वजह से ऐसा हुआ या ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जब डी सैंटा ने मुझे पकड़ा ना, उसके बाद मेरे कपड़े भी अपने आप से, वो जो नॉर्मल वाला जॉन का अटायर था वो अपने आप पहन लिया जॉन ने, जबकि मैं मेक्सिकन वाला अटायर पहना होता, याद है। तो एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि मैं जॉन का ऑफिशियल अटायर ऐसे भी पहनना ही चाह रहा था आज। तो लुइसा के पास पहुंच गया, अब ये ऐसा नहीं बोल दे कहीं कि रात में ये मिशन होने वाला है। ए, सेनोर, यू वांट ट्रबल फ्रेंड? मानोस अरिवा, अंतिलास। ट्रांकिलो, ट्रांकिलो अमिगो। Tranquilo. Ya lo tengo. Muévase, cabrón. Muévase. बताओ, यहाँ लुइसा से मिलने आया था, ये लोग कौन मिल गए? गनवन सब छीन लिए। लुइसा तो यही है। El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. अच्छा, ये लोग लुइसा ही के गार्ड्स थे। ठीक है, ठीक है। Mr. Marston, my father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. Allende did this. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. Well, you know I'll do whatever I can, but I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people, for these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns and money, there won't be any freedom, Luisa. Mr. Marston? The movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just the cause. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Let's go. We do not have much time to prepare the ambush.
तो लुइसा बता रही थी कि कल आर्मी ने इसके पापा को ढूंढ निकाला और इसके पापा को एलियांडे के लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मारा। उनको मारने के बाद उनका दिल निकाला और कुत्तों को खिला दिया। तो ये सुन के जॉन को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा और लुइसा बोलने लगी कि मेरे पापा की जान ऐसी ही फालतू की नहीं जानी चाहिए, इसका कुछ तो मतलब निकलना चाहिए। तो जॉन ने बोला कि इसका बस एक ही मतलब निकलता है कि जंग में मासूम लोग मरते हैं और जंग में ऐसे ही सब फालतू काम होते हैं। तो लुइसा बोलने लगी ये कर्नल एलियांडे जानता है कि हमारा विद्रोह सक्सेसफुल होने वाला है और इसलिए वो अपनी फौज भेज रहा है एस्केलेरा की तरफ। और रियास ने मुझे बोला है कि आप जाओ हमारी टीम के साथ और मेक्सिकन आर्मी को हमारे इलाके में आने से रोको और उनको खत्म कर दो। तो जॉन लुइसा को बोलने लगे कि मेरी खुद की बहुत परेशानी है, अभी ये सब काम में मैं नहीं पड़ सकता क्योंकि मेरा खुद का परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। तो लुइसा बोलने लगी कि मेरी माँ अमेरिका चली गई, मेरी बहन कहीं और चली गई है, मेरे पापा की जान चली गई, मेरे पास तो परिवार बचा ही नहीं है और सिर्फ यही एक मकसद है जीने का कि इस विद्रोह में हम लोग सक्सेसफुल हो। और याद रखिए जॉन के अच्छा काम आपको अच्छा इंसान बनाएगा। तो जॉन ने बोला कि मैं तो फिर बहुत ही बदकिस्मत हूँ, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पापा की मौत हो गई इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो आ जाओ फिर लुइसा के साथ चलते हैं और कर्नल एलियांडे के लोगों को रोकते हैं। Not far now. The army convoy will be coming from the east. We going to steal their supplies? No, destroy them and kill everyone. Abraham wants to send a message. Do you have experience with explosives? A little. Been a long time. Good, because we do not. You will man the detonator. My men are waiting there for us. They will also need your help setting up the dynamite. I'll do my best. We will do this for my father, John. तो रईस मैसेज भेजना चाहता है कर्नल एलियांडे को, इसलिए उसके जितने भी लोग आ रहे हैं सबको मार देना है। There they are. तो रेबल्स के साथ मिलके पहले तो यहाँ पे डायनामाइट लगाना है, ठीक है। These men will help you rig dynamite on the road. Please tell them where to place it. I'll be waiting up above, watching for the wagons. Okay, follow me, gentlemen. Vamos. तो मैक्सिकन आर्मी का काफिला बस आता ही होगा और इनको मुझे बताना है कि डायनामाइट कहाँ लगाना है। तो कहाँ लगवाओ, रास्ते में लगा देता और क्या। Start here. तो सब थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगवा देते हैं, कहाँ उतना दूर लेके जाएंगे। Another one here. तो तीन डायनामाइट चार्ज और बचे हैं ना, और यहीं कहीं लगवा देते हैं। Here. Another one here. Set the last one here. तो सारे चार्जर्स सेट हो चुके हैं, अब जाके लुइसा से ऊपर मिलना और इंतजार करना है कॉन्वॉय का आने का। ये डायनामाइट चार्जेस लगाते हुए ना मुझे याद आया कि वो जो ट्रेन को लूटा था, याद है जो आर्थर ने लगवाया था स्टार्टिंग में, ट्रेन वाले मिशन में, एकदम स्टार्टिंग के टाइम में, और वो गलत भी हो गया था और आर्थर ने मना किया था, किसको, हैवियर ही को मना किया था कि किसी को बताना मत कि गलती मेरी थी यहाँ पर। और सारा इल्जाम बिल के ऊपर लगा कि उसने डायनामाइट चार्ज ठीक से फिट नहीं किया था, जबकि आर्थर ने ठीक से फिट नहीं किया था। मस्त गेम था भाई, आरडीआर 2 जैसा, कोई गेम आसपास भी नहीं है उसके। They are coming. Get ready, John. I and they will fall eventually. I have faith that could move mountains. Look, they are coming. तो जैसे ही वो लोग आएंगे, एक के बाद एक डायनामाइट उड़ाते रहना है, जिससे इनका पूरा कॉन्वॉय जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए। पांच तो मैंने रास्ते में लगा ही दिए। और हाँ, लुइसा को यकीन है कि एलियांडे की सरकार जल्दी गिरेगी, पर फिलहाल इन लोगों को मार के गिराते, आने दो यहाँ पर। कुछ ज्यादा ही आराम आराम से नहीं आ रहे, जल्दी आ जाना।
तो फाइनली अब टाइम आ गया है, बस एक दो सेकंड और। Quick, now is your chance. बहुत ही छोटा मिशन नहीं था। थैंक यू मिस्टर मार्स्टन, वी आर स्टेप क्लोजर टू पावर। माय फादर वुड बी वेरी प्राउड। आई होप इट वाज वर्थ इट। आई मस्ट रिटर्न टू कैंप मिरादा। मीट मी देयर व्हेन यू कैन। आई विल डू माय बेस्ट टू रिटर्न द फेवर। इस एहसान का बदला चुकाएगी लुइसा और वो थैंक यू बोलते हुए चली गई है, बाद में मिलेगी, यानी कि उसके मिशन सभी खत्म नहीं हुए। अच्छा, जॉन ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता लोगों के मामले में, ये बात तो है, लेकिन आर्थर होता ना तो अभी तक रईस के बारे में इसको बता देता लुइसा को, नहीं कि वो घटिया आदमी उसके चक्कर में मत रहो, लेकिन जॉन इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता ये सब चीज में। तो ऐसा ही कि नेक्स्ट मिशन भी लुइसा का ही है, तो आज फिर तो नेक्स्ट मिशन भी लुइसा का ही है, तो आज फिर उसी को करते हैं। और फेल आर्मी, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, महा एपिसोड के लिए एक लाइक बनता है, एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर पुराने और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये तो खतरनाक गलत बात है भाई, एकदम फटाक से सब्सक्राइब करो। 500 के सब्स के हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसी महीने जल्दी से 500 के करना है। ये रेस कमीशन का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने वादा किया है कि उसके जासूस जल्दी हैवियर और बिल का पता बताएंगे, तो आई थिंक कि जो भी उसका नेक्स्ट मिशन आएगा ना, तो शायद अब तुमको फाइनली बिल का पता चल जाए। कुछ बागी घोड़े दिख रहे हैं, लेकिन उनको काबू करके कोई फायदा नहीं, उनका स्टैमिना इतना कम है ना कि उनको लेकर फिर पछताना ही है। अपने घोड़े के साथ मैंने बॉन्डिंग इतनी बढ़ा ली है कि इसका स्टैमिना अच्छा खासा है। रात में एक आदमी नहीं दिखता है यहाँ पर, ऐसे तो आरडीआर 2 में भी रात में अगर आप इतना रात में घूमोगे तो बहुत कम ही लोग दिखेंगे, डकैती ये सब नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखा, कैंप लगा के लोग बैठे रहते हैं। पूरे से आ मास्टर जॉन, जॉन थैंक गॉड यू हैव कम। That wretched animal, the Santa, has been sent to oversee a massacre in El Sepulcro. Come, we must stop him and finally kill that vermin and all of Allende's other followers. Go now. My men will show you the way. I will stay with the camp. तो डिसेंटा और उसकी फौज आ रही है इनोसेंट लोगों को मारने के लिए, और अब उनको जाकर मारना और डिसेंटा को भी मारना है, वाह। Helping Luisa. It ain't right what happened to her father. She's a brave girl. She can fight as well as any man. She ain't the only woman I've seen fighting for Reyes. Yes, women, even children. Everybody must become a soldier if we are to win this war. That's a lot to sacrifice. I just hope it's worth it. It is better to die free than live as slaves. तो लुइसा के लोगों का कहना है कि गुलामी की जिंदगी से अच्छा है कि लड़ते हुए मर जाओ। और ये लोग ये भी बता रहे हैं कि इस मेक्सिकन विद्रोह में यहाँ पर जितने भी बच्चे, औरतें सब सोल्जर बन गए इस फाइट में इनका साथ देने के लिए। Were you a soldier once, compadre? A soldier? No, I was never much good at taking orders. So where did you learn about explosives? I guess some banks ain't easy to get into on weekends. It was impressive what you did at the bridge, destroying that convoy. The army is getting weaker by the day. I'm sure there's more supplies where those came from. We will destroy those too. Allende's scared and making mistakes.
We are closer to victory than you think. तो याद भी जानना चाहता था कि बॉम्ब्स के बारे में जॉन इतना कैसे जानता है, सोल्जर था क्या? तो जॉन ने बोला नहीं सोल्जर नहीं था, लेकिन बैंक लूटता था ना ये एक्सप्लोसिव लगा के। We will speak when we get there. We must save our energy. तो ना सिर्फ डी सैंटा को हम लोग मारने जा रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि वो फाइनली हैवियर और बिल का पता भी बता दे। अच्छा ही है। El sepulcro is just up ahead. All right, let's hold up here a minute. तो तुम लोग आराम भी करोगे तो डी सैंटा को जाके जॉन अकेले ही मार देगा। पर्सनल बदला है ना। Tell your men not to open fire till I make a move. We don't want to give him a chance to escape. And leave DeSanta to me. I need him alive. We will wait for your lead, señor. En el nombre del gobierno provincial del coronel Allende y del estado de este país, te condeno a muerte por traición. ¿Tienes algunas últimas palabras? No. Come on, quick. तो ऐसा है कि डी सैंटा को पहले जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि उससे पता पूछना है ना बिल और हैवियर का। Play time's over, kid. सैंटा अभी कहाँ भागेगा रितु? जॉन ने धोखा दिया ठीक है, लेकिन मारने का किसने ट्राई करा? तूने ना? You're making a big mistake. बोल रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या करूं भाई, गलती करने में बड़ा मजा आता है। Spare me, and I will make you a rich man. इसको जाने दूंगे तो ये अमीर बना देगा। भाई तू रहने दे। My men will kill you. तो बिका नहीं तो अब धमकी दे रहा है कि मेरे आदमी मार देंगे तुम्हें। इस ढक्कन को पीटना तो पड़ेगा। If you kill me, you have the entire Mexican army after you. बोलता है कि मुझे मार दिया तो पूरी मेक्सिको आर्मी तुम्हारे पीछे आएगी। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जॉन को। Javier Escuela. Wait. Okay. All right. Shit. All right. Casa Madrugada. It's hold up there. पता तो बता दिया, अब इसका क्या किया जाए? Now hurry up and kill me. Or just let me go. Okay? Can we kill this piece of shit now, señor? Or would you like to pleasure yourself? Please, I am begging you. तो इसको पीट दिया इतना जॉन ने, तो मैं नहीं मारूंगा। एक काम करो, तुम लोगों का ये विद्रोह है और तुम पे बहुत जुल्म किया, तुम लोग मारो। What are you waiting for? मुझे यही फैसला ठीक लग रहा है। ऐसे तो मारने का मन मुझे भी है, लेकिन जॉन ने अपना काम कर दिया है, तुम लोग मजे लो अब। It was Allende, not me. He's all yours, fellas. I got what I need. Esto es para México! It is done. Come on. Now we find your friend. What are you doing? Forgive me, friend. Get back on your horse. We don't have time for this. तो डी सैंटा का टाटा कर दिया इन लोगों ने। अब ये लोग मेरी मदद करेंगे हैवियर को ढूंढने में, क्योंकि हैवियर को पता बताया ना डी सैंटा ने। Yeah. Thank you, compadre. It should really have been you. I don't like to kill a man on his knees, even if he does deserve it. There is no time to stop. Why are you stopping? That man is responsible for hundreds of innocent dead, maybe thousands. He will burn in hell. We all will, my friend. Espinosa is dead, DeSanta is dead,
The army is without leaders. We must move on Allende now before it's too late. First, you need to help me find Javier Escuela. तो मैक्सिकन आर्मी से फाइट करने में मदद करेगा जॉन इन लोगों की, लेकिन पहले हैवियर को ढूंढ लेते हैं, बिल को ढूंढ लेते हैं, दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ लेते हैं, उसके बाद इनकी मदद कर देगा जॉन। Why are you looking for Javier Escuela? We was friends once, long time ago. Not anymore. Old friends make the worst enemies. You're telling me? Escuela is known in this province. He was a revolutionary once, but then he went to your country. That sounds about right. तो हैवियर यहाँ पर काफी फेमस आदमी है, मतलब वो भी विद्रोही था और यहाँ पर था तो काफी मशहूर रेबल था, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका गया तो पैसे लेकर फिर किसी का भी खून करने के लिए तैयार हो गया। तो मुझे तो याद है कि हैवियर अच्छा था ना आडिया टू में, बस लास्ट में डच की तरफ चला गया था। तो मैंने आप लोगों से बोला था कॉमेंट करने की बताना कि अगर मेरे पास ऑप्शन आया तो हैवियर को जिंदा पकड़ूंगा या मार दूंगा। तो ज्यादातर लोगों ने बोला जिंदा पकड़ने, तो देखते हैं आ जाओ अगर ऑप्शन मिला तो। This place is deserted. Is it always this quiet? No, but maybe the girls are all occupied. Javier Escuela! Ahora mismo! Mátalo! This sure is pleasant! तो हैवियर तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मेक्सिकन आर्मी है। हैवियर इन लोगों के साथ क्या करेगा? ये डिसेंटर ने कहीं मरने से पहले भी तो झूठ नहीं बोल दिया। I think ये झूठी बोला है। Where's Javier Escuela? Javier Escuela? He hasn't been seen around here in months. You shut up this place for him, huh? I wouldn't spit on him if he was on fire. I don't blame you. But Captain DeSanta said he was here. And you believe him? You must be more stupid than you look. Go shoot up some places. तो यहाँ की एक औरत ने बताया कि डी सैंटा ने झूठ बोला है, हैवियर यहाँ महीनों से नहीं आया और अगर वो जलता भी रहेगा तो उसकी लाश पे ये थूके भी नहीं। तो जो भी है, लेकिन हैवियर ने यहाँ नहीं आया और बोला कि डी सैंटा के कहने पे तुमने यहाँ पे गोली चला दी, जाओ कहीं और जाके गोली चलाओ। तो फाइनली रियाज का मिशन आ गया, शायद ये अब बता दे कि हैवियर कहाँ है, क्योंकि आज जब तक मुझे दोनों में से किसी एक का पता नहीं चल गया और दोनों में से मैं किसी एक से मिल नहीं लूं या कम से कम नजर नहीं आ जाए, आज का एपिसोड खत्म नहीं होगा, चाहे कितना देर लगे, चाहे गेम एंड क्यों नहीं मुझे करना पड़े। नहीं नहीं, उससे पहले तो मिल ही जाएंगे। तो अच्छी बात ये कि रियाज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और आप लोग तब तक म्यूजिक सुनो, म्यूजिक बहुत अच्छा है RDR1 का। तो ये रियाज तक पहुंच तो गए, लेकिन अगर ये इस बार भी पता नहीं ना बताएगा और 3-5 को उससे काम करवाएगा, गलत हो जाएगा भाई, अब बहुत ज्यादा हो गया है।
What would your most loyal follower, Luisa, say about that? Who? Luisa, the girl from Campo Morada? Her, a gentleman never tells, but she was a most wonderful... I just say she was increíble. Yes. Let me tell you something. I strongly recommend her. You take her when you have the chance, my brother. She thinks she's your wife. My wife? These peasant girls, they believe every word a fellow says. So naive. It's really quite charming. I love peasants. Don't you love peasants? I love them. They have such purity. Are you gonna marry her? Ha! Marry a peasant? My dear boy, don't be absurd. I'm going to be the next president of Mexico. My wife will meet ambassadors, kings, other great men, and the hands of a farmer. Well, I really don't think so. My mother, que Dios la cuide, would turn in her grave. Interesting. But come on, let's run. I've got an amazing present for you, my brother, huh? Yes? The man you seek. Together, we will bring them to justice. Let's go. प्रयास यहाँ दूसरी लड़की के साथ बिजी था, जो कि ऑब्वियसली मैं दिखा नहीं सकता भाई, यूट्यूब उड़ा देगा यूट्यूब पूरा चैनल। Come on, mi hermano, this is the day we have both been waiting for. तो एक तरफ बेचारी लुइसा ये सोच रही है कि वो इससे शादी करेगी, लेकिन रियाज भाई साहब यहाँ किसी और लड़की के साथ लगे हुए थे। तो जॉन ने बोला कि ये चीज अगर लुइसा को पता चल गया तो उसको कैसा लगेगा। तो ये बोले कि हाँ वो अच्छी है, लेकिन एक आम से घर की लड़की, और कल को मैं मेक्सिको का प्रेसिडेंट जब बनूंगा तो मेरी बीवी राजा महाराजों से मिलेगी और भी दूसरे देश के प्रेसिडेंट से मिलेगी, और मैं फिर कैसे लुइसा जैसी आम सी लड़की से कैसे शादी कर लूंगा, और ये बात मेरी मरी हुई माँ को पता चल गया तो वो ये सुन के दोबारा मर जाए। तो कुल मिला के बात ये की रियाज एक नंबर का लड़कीबाज आदमी है, लेकिन जॉन को ये फायदा पहुंचा रहा है कि इसने हैवियर का पता लगा लिया है और बोला कि चलो उसका इंसाफ हम दोनों मिलके एक साथ करते हैं, और ये अपने लोगों को भी जॉन के साथ भेज रहा है, और शायद यही वजह है कि जॉन इन सब बारे में लुइसा को नहीं बता रहा है, जो कि गलत है। लुइसा को बता देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बेचारे का दिल टूटे, कम से कम उसको अभी तो पता चले कि जिस आदमी के चक्कर में वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है उसको उसकी जरा से भी परवाह नहीं है। तो जॉन को बताना चाहिए इस बारे में। तो अब तो लग रहा है ये फाइनली हैवियर से आज मिलने वाले हैं, और एक बार हैवियर मिल गया तो बिल कितना दूर होगा फिर। Let's ride! कहीं ये रियाज भी धोखा नहीं देते ले जाकर, वहां ले जाओ और बोले कि काहे का पता, ये ले गोली। My men will launch a ruse attack on the side entrance to the fort. Meanwhile, you, my American friend, will drive this wagon at the front gate and jump off when you're close. It's been packed with 5 crates of TNT. That sounds crazy. How long's the fuse? Yes, like I say, fun times. It's plenty long enough, I think. I see you in there, amigo. Come on. Go on, John. You can do this. भाई चलते हुए टीएनटी कार्ट में मुझे बैठा दिया, और ये किले के दरवाजे पे मार के कूद जाना है मुझे टाइम पर, वरना मैं भी ब्लास्ट हो जाऊंगा साथ ही साथ। मुझे हैवियर को ढूंढना है, ठीक है? You clearly don't like me much. My God, you sure are a pathetic bunch of freaks. Somebody missing. तो इस टावर के अंदर दिखा रहा है कि इसके अंदर हो सकता है हैवियर, ओके? तो हैवियर तो नहीं मिला, लेकिन गैल्टिंग गन देख के मन कर रहा है कि इन पे छलनी छलनी कर दूं, लेकिन अभी किसको कर सकते हो, नीचे चलते हैं, और भी दो जगह है वहां पर हो सकता है हैवियर।
es huella! ये हैवियर ने तो अच्छी गैंग बना ली है भाई अपनी। अच्छा अच्छा आई थिंक इसके ऊपर दिखा रहा है ना। आ जाओ एक अच्छी बात तो रही कि यहाँ से भर भर के गोलियां मिल रही है। जॉस दीवार के ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है भाई? इसके ऊपर तो चढ़ ही सकता है। नहीं चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। हैवियर और बिल दोनों साथ में ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ जो दो फ्लोर है ना यही कहीं होंगे साथ में दोनों। Hello, old friend. It's been a long time. Hello, brother. It's good to see you. I heard you was coming. You took your time, no? Come on, you're not gonna shoot your own brother, are you? We was family. Yeah, we were. Then you and Dutch went crazy and family didn't mean so much. So now you do the government's work. And what do? You just work for a different government. Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. Now, I hate to judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill. And Dutch. Dutch is in Colombia. I can take you straight to him. Hmm? You left me to die? Whoa. To save your own skin, and now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you, even now. Have you तेरे को मारना नहीं चाह रहा हूँ, मजबूर मत कर भाई. You won't get me alive, John. देख आर्थर के तूने हमेशा साथ दिया है और हमेशा से अच्छे से रहा, इसलिए मैं मारना नहीं चाह रहा हूँ. लेकिन अगर बात जॉन और हैवियर की आई तो मारना ही पड़ेगा. मैं अपने ही घोड़े से भागूंगा, मैं अपने ही घोड़े से पीछा करूंगा. मेरा घोड़ा कहाँ है? मेरे घोड़े से पकड़ना ज्यादा आसान होगा क्योंकि उसका स्टैमिना ज्यादा है. भागने दो, पकड़ लूंगा, टेंशन मत लो. अच्छा ये हैवियर कसम खा के बोल रहा है कि हमें सच में ऐसा लगा था कि तुम मर गए हो, इसलिए हम तुम्हें बचाने नहीं आए. और बता रहा था कि डच कोलंबिया में है और वो डच तक भी मुझे पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है. फिलहाल गेम ने मुझे ऑप्शन दिया है कि या तो इसको जिंदा भी पकड़ सकता हूँ या तो इसको मार भी सकता हूँ. तो आप लोगों ने भी बोला है और मुझे भी सच में मन नहीं इसको मारने का, तो जिंदा ही पकड़ते हैं. जज्बात में मैंने घोड़े का पूरा स्टैमिना ही खत्म कर दिया. कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं भागा है. अच्छा बिल और जॉन को उतना अलग नहीं बनाया जैसा ये लोग आरडीआर 2 में दिखते हैं, थोड़े थोड़े वैसे ही आरडीआर 1 में. लेकिन हैवियर को आरडीआर 2 में बिल्कुल ही अलग बनाया था, इसमें बिल्कुल ही अलग दिखता है. नहीं kill you, Javier! Give it up, Javier. I'm taking you in, my brother. I'll let the others judge it. Where's Bill? I don't know. Where's Bill, you son of a bitch? Do you think I won't kill you, brother? He ain't here, brother. He's with Agenda.
तो हैवियार ने बता दिया कि बिल एलियांडे के साथ है, तो अब उन दोनों को साथी में मारना होगा। फिलहाल इसको जिंदा पकड़ लिया है। Now try not to fall off. Come on, amigo. Abigail wouldn't want this. Abigail would have killed you already. She always thought you was a creep. So finally, Abigail ka naam bhi aa hi gaya na. John ki wife yaad hai na? We was family, brother. You and me. Like Cain and Abel, I guess. Leaving each other for dead. सही बात है यार, हम परिवार थे, लेकिन आर्थर का तूने साथ नहीं दिया था और जॉन को मरने के लिए छोड़ दिया था। You don't understand what happened. Wasn't like you thought it was. Whatever you say, old friend. तो यार बोल रहा है कि जैसे तुमको लग रहा था वैसा नहीं है। It was Bill, not me. Yeah, and he's next. अच्छा अच्छा, बिल का प्लान था कि जॉन को मरने के लिए छोड़ दो, तो जॉन बोल रहा है कि हाँ अगला नंबर उसी का है। You and Bill are back together. Two crazy men sharing a bed. Go to hell, you pathetic fool. Have yaar gariya mat bhai, teri kismat achhi hai ki tu zinda hai, jail hi jayega na. Dutch never liked you, you know? I gave up caring about him or you a long time ago, friend. As I say, this ain't been a social call. It's just business. You're gonna be locked up for a hell of a long time. यार बता रहा है कि डच कभी पसंद नहीं करता था जॉन को, लेकिन जॉन को इस चीज की परवाह भी नहीं है। Just let me go, John. Spiel, you want. You're wasting what's left of your breath. Enjoy the view. Breathe the air. Last of either you're gonna be getting, brother. Yeah. तो बस बस आजादी कुछ पल एंजॉय कर ले यार, क्योंकि बस ये आजादी खत्म होने ही वाली है। Oh, you shit. Hope you're sure about what you're doing, brother. You saw me out. Didn't that life we had mean nothing to you? Oh, ah, you puto. Oh, one day, I promise you, you're gonna regret this. One day's about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. You know, that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway. It was just an excuse, and we all knew. What I knew is that you was always a puto. And you're still a puto. Marston, come with me. The army sent reinforcements. Go. Yeah, go with your puto. तो एलियांडे ने अपनी आर्मी भेज दी, अब उनको रोकना होगा पहले। हैवियार ने तो बहुत बददुआएं दी है कि भाई तुम तुम्हारे बीवी बच्चे सब सड़ेंगे देखना, और मुझे जो कैद किया है ना देखना तुम कितना पछताओगे एक दिन। और जॉन को याद दिला रहा था कि हमने कितना अच्छा टाइम साथ में बिताया है, उस टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो जॉन का कहना था कि भाई वो जिंदगी अब खत्म हो चुकी है हमारी, ठीक है भूल जाओ उसको अब। तो अब नेक्स्ट बिल का नंबर, और उसके बाद फिर डस से मिलने जाना है। किला इनका हुआ, बदला मेरा हुआ। अच्छा, हैवियार को जेल से निकाल के ले जाना है यहाँ से, ठीक है।
two old friends reunited. It is a beautiful thing. ये रियाज कितना भी बेकार आदमी हो, लेकिन एटलीस्ट अपना वादा तो पूरा किया इसने. हैव यार मिल गया. ओ एजेंट्स. Mr. Marston, fancy seeing you down here. I must say it's a pleasant surprise to see you. You've done well, Mr. Marston. Now, Javier here gets to see how far the hand of justice can reach. Come on, you. Get in the damn automobile. Can we assume one of my commitments is cleared? Unfortunately, nothing is cleared, John, until your obligations are met. We need you to find Williamson, then head to Blackwater as quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vanderland is in the area. Oh, your wife sends her regards. तो एजेंट से बताया कि डच देखा गया ब्लैक वाटर में. तो हैवियर को गवर्नमेंट एजेंट्स को सौंप दिया और हैवियर अब जेल जाएगा ऑब्वियसली. और जॉन बोल रहा था कि मेरा काम खत्म हुआ ना, तो इन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ है, जब तक तुमको जो बोला नहीं गया यानी कि बिल और डच को मारना वो काम तुम कर नहीं देते. तो इन लोगों ने बोला कि एक बार बिल को मार दिया, जल्दी से जल्दी ब्लैक वाटर आ जाना, क्योंकि वहां पर तुम्हारे गैंग का लीडर डच को देखा गया है. और ये लोग जानबूझ के ऐसा ताना देते हुए जा रहे थे कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए हेलो बोला है. मतलब एक तरह से ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी बीवी और बच्चे पे हम निगरानी रख रहे हैं, अगर काम नहीं किया तो उन दोनों को मार देंगे. तो फेल आर्मी ऐसा है कि आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं. और भाई बहुत मेहनत लगता है महा एपिसोड लाने में, और मैं सोच रहा हूँ कि कल भी इसके एक महा एपिसोड लेते हो क्या, या फिर कल आरडीआर 2 का कोई साइड मिशन देखोगे, कमेंट करके बताना इस बारे में. और जाने से पहले भाई देखो एक सेकंड लगता है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. मैं मिलूंगा कल. टाटा.